वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर आगे चल रहे हैं और आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करें और पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें थी। इसके पहले के वीडियोस में जो हम लोगों ने देखा था वो ये देखा था कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम पर एलिमेंट्स को अरेंज करने की जो एक चार्ट बनाया गया था उसके लिए, उसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इसमें जो पहला अटेम्प्ट हुआ था वो यूनिटरी मेथड हुआ था। उसके बाद डोबेनर, जिसको हम लोग जानते हैं जो आपके सिलेबस में है, कि डोबेनर ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, अनसक्सेसफुल रहा। बाद में जॉन न्यूलैंड आए जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उसके बाद दो और भी लोग थे जिनको आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट आप जान लो, एक लोथर मेयर थे और एक चैन कोर्टोइस थे। उसके बाद फर्दर डिमिट्री जे इवानोविक मेंडलीव थे जिन्होंने एज पर एटॉमिक मास के बेसिस पर बताया था कि एलिमेंट्स विल बी क्लासिफाइड। लेटर ऑन मोस्ले, जो मोस्ले थे, फाइनली उन्होंने हम लोगों को बताया था कि जो आज की हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, उनके बेसिस पे। ये बात क्लियर हो गई थी हमारे अपने लास्ट वीडियो में। फिर लास्ट वीडियो में हमने इस बात को बताया था कि जो हमारी पीरियड टेबल है, इस पीरियड टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। और हम देखते हैं कि 18 ग्रुप्स को बोलते क्या क्या है। जो हमारा ये फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, दिस इज नोन एज अल्कली मेटल्स। इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दीज आर द फर्स्ट ग्रुप। ठीक, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं वन, और जो इनकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी, दैट इज ऑलवेज वन। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनकी वन है और वैलेंसी इनकी प्लस वन है। एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक, जो भी एटॉमिक नंबर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। और जनरली हर एटम चाहता है कि हम स्टेबल हों, इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जनरली वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, इनमें से किसी की बात करते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर 11 है, इनका 12 है, इनका 13 है। एटॉमिक नंबर किसी का 11 है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम में 11 है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, सर आयरन का एटॉमिक नंबर तो 26 है, तो दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 26। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, दैट मींस कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, दैट मींस उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 10। एटॉमिक नंबर ऑफ ज़ेनॉन इज 54, दैट मींस उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 54। और बाय द वे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दैट मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और जो ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि लॉस या गेन जो दिखाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही दिखाता है। तो अब हम इसको 11 को देख रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं जिसे के एलिमेंट शेल बोलते हैं। ये हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्लियर? अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। ठीक, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से धीमे धीमे मैं आपको समझाऊंगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसके मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में आ गए, कितने बचे? 9। 9 में से इसमें कितने जा सकते हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ गए? इसमें आ गए, कितने बचे? 1। वो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब ये लास्ट शेल है, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम, 2 हो गए, 8 इसमें आ गए, कितने बचे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली एल्यूमिनियम, 2, 8, 3, इसके आउटर मोस्ट में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी नॉन मेटल की, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर 9, इनका 8, इनका 7। क्लियर? अब ये यहां पर आ गया 2, कितने बचे? 7। कितने भर सकते हैं इसमें? 8, हमने 7 फिल कर दिया। दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8, 2 हो गए,
सिक्स यहां पर आ गए, कितने फिल हो सकते थे एट, कितने फिल किए हमने सिक्स, सिमिलरली लाइकवाइज वी फिल्ड फाइव इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो यहां पर ही वन टू थ्री दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर सेवन सिक्स फाइव ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक। अब ये किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स रहें, कितने रहें एट इलेक्ट्रॉन्स रहें। तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिगार्डेड एज मेटल एटम्स, उनको हम लोग मेटल एटम्स बोलते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट में सेवन सिक्स फाइव रहते हैं दे आर जनरली रिगार्डेड एज नॉन मेटल एटम्स। जिनके में एट होते हैं जैसे नियॉन, इनको हम नोबेल गैस मानते हैं, क्या मानते हैं नोबेल गैस, हालांकि ये भी नॉन मेटल ही है बट इनको मानते क्या है नोबेल गैस। जिनके में फोर है दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज नॉन मेटल, उनको भी हम लोग क्या मानते हैं नॉन मेटल मानते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे जनरली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जैसे इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें तो इनके आउटर मोस्ट में क्या बचेगा एट, और ऐसे में ये क्या बन जाएंगे एन ए के ऊपर प्लस वन चार्ज। ये अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस टू चार्ज। ये अगर तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस थ्री चार्ज। एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों और ये है क्या, तो होता क्या है कि इस बात को तो हम लोग जानते हैं ना कि एटॉमिक नंबर जो होता है ठीक है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का ठीक, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, मैग्नीशियम का 12 है जैसा कि हम लोगों ने देखा, एल्यूमिनियम का 13 है जैसा कि हम लोगों ने देखा भी ठीक। अभी क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, 12 12 13 13। अब क्या हो रहा है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 11 माइनस 1 क्या हो गया ये 10, इसने 2 लूज कर दिया तो 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, इसने 3 लूज कर दिया तो क्या हो गया 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो हमने देखा कि दे ऑल अचीव देयर ऑक्टेट, इन सब लोगों ने अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया। ऑक्टेट अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट मींस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कि अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेना, यही ऑक्टेट रूल होता है जैसे लैंगमुइर और कॉसर इन लोगों ने अपना बताया था ठीक है। तो हुआ क्या कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दे हैव टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई लूज करके लेके आएगा कोई गेन करके लेके आएगा, ये लॉस करके लेके आए हैं। अब जब यहां पे 10 तो अभी सब इक्वल था 11 11 12 12 13 13, लेकिन अब क्या हुआ प्रोटॉन्स तो 11 है दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इज 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कहते हैं हम या कहते हैं कि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया दैट मींस प्लस वन चार्ज इज प्रेजेंट। यहां पर 12 है यहां 10, दो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो हम दो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ऐसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि दो प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो हमने यहां प्लस टू लगा दिया, यहां पर तीन ज्यादा हो गए तो हमने यहां पर क्या लगा दिया प्लस थ्री, और इस तरीके से ये आयंस बन गए, क्या बन गए आयंस। और ये जो आयंस बने हैं ये पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं कैट आयंस, क्या बोलते हैं कैट आयंस। तो आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम आयंस बोलते हैं, उनमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो कैट आयन बोले जाते हैं। ये कैसे बनते हैं, दे बिकम आयंस आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दे बिकम कैटायंस। इनको हम कैसे बोलते हैं, हम कहते हैं मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दे एक्वायर प्लस वन चार्ज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, दे एक्वायर प्लस टू चार्ज दैट मीन्स बाइवेलेंट कैटायन, दे लूज थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर प्लस थ्री चार्ज दैट मींस ट्राई पॉजिटिव कैटायन। तो दे कैन फॉर्म यूनि पॉजिटिव डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव कैटायंस एज पर देयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वन टू और थ्री, व्हेन दे लूज वन इलेक्ट्रॉन दे बिकम यूनि पॉजिटिव कैटायन, जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे बिकम डाई पॉजिटिव कैटायन, व्हेन दे लूज थ्री इलेक्ट्रॉन दे बिकम ट्राई पॉजिटिव कैटायन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्यों किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, वो आते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लूज किया तो प्लस वन, दो लूज किया तो प्लस टू, तीन लूज किया तो प्लस थ्री ठीक, ये कैटायन बन गए। और ये जो चार्ज इनके ऊपर आया है दिस इज नोन एज वैलेंसी, क्या होता है वैलेंसी। तो कई बुक्स में लिखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, आई एम आस्किंग हाउ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट अराइज, तो दिस इज नॉट सिंपली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमको डिफाइन करना है कि वैलेंसी क्या है तो हम ऐसे कह सकते हैं चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एटम, मैं रिपीट कर रहा हूं, चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एटम आइदर बाई द लॉस
और बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वही उसकी वैलेंसी होती है, एंड हेंस द कंबाइनिंग कैपेसिटी इज बीइंग डेवलप्ड। क्लियर? सो द रियल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम आइदर बाय द लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ठीक, आगे चलते हैं। तो जैसे हमने वहां देखा, अब ऐसे हम लोग इसका देखने आ रहे हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं फ्लोरीन F is 9, O is 8, N is 7. एटॉमिक नंबर इन सबके 9, 8, 7 हमने देख लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, इलेक्ट्रॉन्स 9, 8, 8, 7, 7. अब ये कह रहा है किसी भी कीमत पे मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 7 वाला कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि 8 हो जाएगा? 1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले, ये कितने ले ले? 2, ये कितने ले ले? 3. ठीक, तो ऐसे में जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो 8 हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10. तो यानी कि 9 में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कितना हो गया? 10. ये 2 प्लस 6 कितना था? 8. इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, टोटल कितना हो गया? 10. यहां पर कितना हो गया? प्लस 2, 10. यहां पर 2 प्लस 5 कितना था? 7. तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, कितना हो गया? 10. तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. अब हम आसानी से यहां पर देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 9 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 10 है। दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेस, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो फिर क्या बन गया? ये पहला वाला बन गया F माइनस 1, क्योंकि नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर क्या हुआ? O हो गया माइनस 2, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नाउ 2 मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिमिलरली N के ऊपर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने सोडियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन या एल्युमिनियम कैटायन बोला था, इसे हम सिंपल फ्लोरीन एनायन, ऑक्सीजन एनायन या नाइट्रोजन एनायन नहीं बोलेंगे। जब कभी कोई सिंगल एलिमेंट निगेटिवली चार्ज होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई सिंगल एलिमेंट निगेटिवली चार्ज होता है तो उसमें एक सफिक्स लगता है आइड। क्या लगता है? आइड, आई डी ई। तो ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन। क्या बन जाएगा? फ्लोराइड आयन। ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन, ये बन जाएगा नाइट्राइड आयन, NITRIDE, नाइट्राइड। आइड, आइट, एट, तीन होता है। तो व्हेन सिंगल एलिमेंट इज नेगेटिवली चार्ज दे बिकम आइड, सम एक्सेप्शंस आर देयर लाइक इन हाइड्रोक्साइड OH-1, लेकिन ये हमेशा कंफर्म है कि जब कोई सिंगल एलिमेंट नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके आगे आइड ही लगेगा, आइड ही लगेगा। इस बात को अच्छे से नोट करके रख लेना ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम आइड कब लगाते हैं, आइड कब लगाते हैं, एट कब लगाते हैं। सो इट इज क्लियर। तो हम लोग इसी क्रम में जब आगे चलते हैं तो हमने देखा कि हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमारे सामने सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हम कैसे इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल को याद करें। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, चुटकी बजाते ही आप इस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, और अगर मजा आता जा रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं तो मालूम चलता है बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप हमको मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको 10 गुना ज्यादा मोटिवेट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मुझको देंगे तो मैं आपको उसका 10 गुना ज्यादा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इस पूरे 18 ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उन 18 ग्रुप्स में जो हमारा पहला ग्रुप होता है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। और इनकी वैलेंसी क्या होती है? प्लस 1 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं कितने होते हैं? 1 होते हैं। हाइड्रोजन जो है दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज केप्ट एट द टॉप, वो खाली टॉप पे रखा जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज ए रोग एलिमेंट। जो एग्जैक्ट इसमें अल्कली मेटल्स हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ही है। ठीक है, इनमें से अगर हम देखते हैं कि इसको याद कैसे की जाए, तो हाय लीना ने, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। जहां पर एच लीना एल आई एन ए, की से के, रूबी से आर बी, से सी एस, फ्रेंडशिप से एफ आर। ठीक है, या हम कह सकते हैं हाय लीना कब रात बीतेगी, चांद सी जिंदगी फिर आएगी।
ये दो कोड आपके सामने मैं रख रहा हूं, यू कैन मेक योर ओन कोड, आपने खुद भी कोड बना सकते हैं, बट दिस विल बी इंटरेस्टिंग। हाई एच लीना अगेन एल आई एन ए, कब के रात बीतेगी आर बी, चांद से जिंदगी, ये सी एंड एस, जिंदगी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर एफ आर, ठीक है। तो इस तरह से हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या हाय लीना कब रात बीतेगी चांद जिंदगी फिर आएगी, या हाय लीना की रब से फरियाद, ठीक है। इस तरीके से दो तीन हमारे सामने एटम्स हैं, मतलब दो तीन कोड हैं जिन कोड के थ्रू हम एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। तो एक बार हाय एच, एच फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों पड़ा, बिकॉज इट जनरेट्स वाटर, क्योंकि पानी को जनरेट करता है। फिर लिथियम आता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, उसके नीचे भी होते हैं, सबसे नीचे आते हैं, मतलब जैसे जैसे नीचे आते आते हैं ग्रुप में वैसे वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, इसके बारे में भी हम बताएंगे पीरियोडिक वेरिएशन आपको, ठीक है। और ये हमारा कुछ लंबा चलने आ रहा है सेशन, ठीक है, इस सेशन हमारा लंबा चलने आ रहा है, हम लगातार आपके लिए लेकर आए हैं, इस पूरे पॉइंट को कवर करने के बाद ही इसको हम बंद करेंगे आपके लिए। तो पहले हमने ये देखा, तो हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये सबसे बेस्ट कोड है जो आप याद कर सकते हैं। तो H फॉर हाइड्रोजन, एल आई फॉर लिथियम, एन ए फॉर सोडियम, के फॉर पोटेशियम, और आर बी फॉर रूबीडियम, सी एस फॉर सीजियम, एंड एफ आर फॉर फ्रेंशियम। इसमें जो एन ए है उसका लैटिन नेम नेट्रियम है, क्या है, नेट्रियम, और जो पोटेशियम है इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम, क्या है, कैलियम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, आते हैं हम सेकंड ग्रुप के लिए, ठीक है। सेकंड ग्रुप, जब हम सेकंड ग्रुप पे चलते हैं, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके होते हैं टू, जो इसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, प्लस टू, ठीक है। ये ऐसे में जो इसका एलिमेंट है वो ग्रुप कैसे है, याद करने के लिए, बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, ठीक है, बी एम जी सी ए एस आर बी ए आर ए, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक। बेटा से बी हो गया, मांगे से एमजी हो गया, कार से सीए हो गया, स्कूटर से एसआर हो गया, बाप से बीए हो गया रे। आप ये भी कह सकते हो कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, भाई जब बेटा मांगेगा तो बाप रोएगा, ये कहां से लेके आएगा। तो दीज आर द कोड्स, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके बी, बी स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, एमजी स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, सीए स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, एसआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्शियम, बीए स्टैंड्स फॉर बेरियम, एंड आरए स्टैंड्स फॉर रेडियम। तो ये हमारे दोनों एस ब्लॉक के ग्रुप्स थे, तो एस ब्लॉक में हमारे दो ग्रुप आते हैं, पहला ग्रुप जो आता है वो अल्कली मेटल्स का आता है, जो दूसरा आता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आता है। और ये दोनों के दोनों ग्रुप जो हमारे होते हैं, इनके ये एलिमेंट्स हैं जिनको याद करना बहुत ही आसान है, और एक बार अभी इसका याद कर लोगे तो फिर आपको मैं एटॉमिक नंबर भी लर्न करने नहीं दूंगा, आपको सीधे सीधे यहीं बैठे बैठे आपको मैं एटॉमिक नंबर भी लर्न करा दूंगा, ठीक है। तो फिर आइए आगे देखते हैं हम लोग अपना। अब इसके बाद में जो कैपेसिटी, मतलब लर्न करने का तरीका होता है, उसमें पहले एक बार फर्स्ट सेकंड ग्रुप याद करते हैं, फिर उसका सीधे 13 से 18 याद करते हैं फॉर क्लास 10th, फिर हम आते हैं डी ब्लॉक पर, दैट इज इन बिटवीन 3 to 12, फिर हम लोग आते हैं एफ ब्लॉक पे, दैट इज 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, 13th ग्रुप के लिए क्या होगा। तो इनका मैं लाइन से बता दे रहा हूं आपको जल्दी में, 13th ग्रुप, ठीक, ये इसके बाद हम यहां पर रख रहे हैं 14th ग्रुप, इसके बाद यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं 15th ग्रुप, एक साथ हम तीन लेके चलेंगे, ठीक है, 13th ग्रुप, ठीक है। इसमें जो कोड है इसका वो है बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, नहीं है, ना बैगन ही है, ना आलू ही है, ना गाजर है, थैला में कुछ भी नहीं है, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। पहले इसका कोड था बैगन आलू गाजर इन थैला, लेकिन अब चूंकि नया एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है उसका नाम भी आ गया, तो जब नाम आ गया तो उस हिसाब से इसका जो नया एलिमेंट है NH, दैट इज निहोनियम, ठीक है। तो पहले बी दैट इज बोरॉन, AL एल्यूमिनियम, GA गैलियम, IN इंडियम, TL थैलियम,
NH निहोनियम. तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड निहोनियम आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 और इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3. और वैलेंसी इनकी कितनी होती है? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इनकी जो मेन वैलेंसी होती है दैट इज +3, बट सम टाइम दे ऑल्सो शो द वैलेंसी ऑफ +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में आपके लिए ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा इसको भी. हमारी जो 12th की क्लासेस आएंगी, 11th की क्लासेस आएंगी, उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला नहीं है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है. जो वैलेंसी है वो मेन वैलेंसी इज +3, बट एज वी कम डाउन, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो +1 इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट वैलेंसी या +1 इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट. हालांकि छोटी सी संक्षिप्त जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि ये जब ऑफबोर रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पी पे एंड होता है, तो एस के साथ रहता है. तो जब एस और पी में, दोनों में सिर्फ पी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, एस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, आगे खैर चलते हैं. हमारा आता है 14th ग्रुप. 14th ग्रुप में होता है चांद सी जिंदगी सूनी पिया बिन. ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा चांद सी जिंदगी सूनी पिया बिन. जैसे मैंने ये बोला, मुझसे किसी बच्चे ने कहा सर फ्लड कर रहे हो, बस नेक्स्ट एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, तुरंत नई एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई कि चांद सी जिंदगी सूनी पिया बिन. तो ये हुआ फ्लड कर रहे हो, FLIRT. ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन रेज्ड. तो चांद CSI, जिंदगी GE, सूनी SN, पियाबिन PB और फ्लड यानी कि FL. FL इज द न्यू एलिमेंट विच वॉज बींग डिस्कवर्ड और इसका नाम है फ्लरोवियम. क्या नाम है? फ्लरोवियम. ठीक है, फ्लरोवियम, FLEROVIUM. तो C स्टैंड्स फॉर कार्बन, SI स्टैंड्स फॉर सिलिकन, G स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम, SN स्टैंड्स फॉर टिन, लैटिन नेम इज स्टेनम, PB स्टैंड्स फॉर प्लम्बम, ठीक है, नोन एज लेड. और ये FL, जो FL एलिमेंट बाद में बना है अभी, उसका नाम है फ्लेरोवियम. क्या नाम है? फ्लेरोवियम. तो चांद से जिंदगी सूनी पिया बिन, चांद से जिंदगी कैसी है? बिना पिया के सूनी है. और ऐसे में पिया उसे कह रहे हैं कि डोंट डू द फ्लड विथ मी, दैट मीन्स डोंट रेज द नेक्स्ट एलिमेंट फ्लेरोवियम. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव केम अक्रॉस द टू ग्रुप्स, दैट इज 13 एंड 14. नाउ द टाइम ऑफ 15th ग्रुप. 15th ग्रुप में हमने कई सारे कोड आपके सामने रखे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में अगर हम देखें तो कौन सा कोड, कोड में ये भी होता है कई बार कि हम एलिमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए देखें अच्छे से ग्रुप 15. ठीक है, ग्रुप 15 में हमने सीधे सीधे कहा नॉर्थ पोल पर SBI, दैट मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. किसी ने कहा भैया नॉर्थ पोल पर SBI नहीं है, इट इज इन मॉस्को. कहां है मॉस्को? मॉस्को क्यों बोला? क्योंकि इट इज अ न्यू एलिमेंट विच इज बीइंग डिस्कवर्ड, MC. ठीक है, तो नॉर्थ पोल पर SBI नहीं, इट इज इन मॉस्को. ठीक है, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया. ठीक है, तो नॉर्थ से N, पोल से P, AS से एर्सेनिक, SB से एंटीमनी, BI से बिस्मथ और ये हो गया MC, दैट इज मॉस्कोवियम. मॉस्कोवियम इज द न्यू एलिमेंट नेम्ड. ठीक है, तो ये हमारा नया एलिमेंट है. हम और भी कोड बना सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके. तो जैसा मैंने देखा कि अभी यहां पर हमने कोड क्या क्या बनाया है, नॉर्थ पोल पर एसबीआई, दैट मीन्स की N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, AS एर्सेनिक, SB एंटीमनी, BI बिस्मथ नहीं है, ये मॉस्को में है, MC, दैट इज मॉस्कोवियम. या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया भी कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, या फिर हम कह सकते हैं ना फोड़ो ऐसे सभी बिस्किट. ठीक है, ये भी हो सकता है. और बाकी नाना पाटेकर, ऐश्वर्य सब भिखारी, सो मेनी कोड्स आर देयर, यू कैन ऑल्सो जनरेट योर ओन कोड. आप खुद भी अपना कोड जनरेट कर सकते हो बस, लेकिन मैंने आपके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर दी है तो इसको आप लर्न कर सकते हो, इजिली लर्न कर सकते हो. आपके लिए पीरियड टेबल कोई रहस्य नहीं रह गया है, ये बहुत आसान है. और इस तरीके से लाइन बाय लाइन, हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, बैगन, आलू, गाजर, थैला नहीं है, चांद से जिंदगी सुनी, पिया बिन, फ्लड कर रहे हो, नॉर्थ पोल पर एसबी,
TiO2, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें याद है लाइन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। फिर उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, कुछ भी नहीं है। अगर हम इधर से भी चलते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहां चलते हैं, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम। कैसे नहीं याद होगा यार, सब याद होगा, बैठे बैठे आप मेरे साथ बने तो रहो। तो आगे देखते हैं, हमारे सामने आता है ग्रुप 16। उससे पहले 15 का हमने बस ये बता दिया कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। और इनका भी जो मेजर होता है, जो मेजर वैलेंसी होती है इनकी, वो होती है -3। दिस इज द मेजर वैलेंसी, बट दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +5, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल PCl3 आ रहा है, तो उसमें P बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे अभी बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि -3 इज द रियल वैलेंसी एंड +3 + 5 इज ऑल्सो द वैलेंसी, बट दैट इज रिगार्डेड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रियल वैलेंसी होती है, ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, रियल चार्ज होता है, बट कभी कभी चार्ज होता है वो अपने अगल बगल वाले एटम की वजह से भी लगता है। तो द चार्ज विच इज नॉट रियल और फिक्शियस, हम कह सकते हैं चार्ज इज नॉट रियल बट इट इज ए फिक्शियस, मे और मे नॉट बी रियल, रियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो रहे हैं। तो दोस चार्जेस विच आर फिक्शियस और मे बी रियल, ठीक है, एंड जनरली वो चार्ज जो आते हैं किसी एटम के ऊपर, वो अपने अगल बगल वाले एटम की वजह से जब आते हैं, तो दैट इज सेट टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर मे बी डिफाइंड एज द रियल और फिक्शियस चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, आइदर बाय इट्स ओन और बिकॉज ऑफ द एटम प्रेजेंट नियर बाय इट, यानी या तो खुद की वजह से या अपने अगल बगल वाले एटम की वजह से जब मजबूरी में उसको चार्ज एक्वायर करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो ग्रुप 16 पे आते हैं। ग्रुप 16 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। रियल वैलेंसी -2 है, लेकिन ये साथ साथ +4 और +6 इज द मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ग्रुप 16 एलिमेंट्स। कोड क्या है इसका, ओ सलमान, सलमान जानते हो ना, सब लोगों के फैन हैं, तो ओ सलमान, सेलेना तेरी पोल खेले, ठीक है, जो सेलेना जेटली थी ना एक्ट्रेस, तेरी पोल खोले, ये इनकी कोई पोल खोल रही है, हमारे लिए तो केमिस्ट्री है, ठीक है, पोल खोले। तो ये क्या हुआ, ओ ऑक्सीजन, सलमान सल्फर, सेलेना एसी सेलेनियम, तेरी टीई टेलुरियम, पोल पीओ पोलोनियम। तो ऑक्सीजन सलमान, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, दीज आर द एलिमेंट, ठीक है। तो जब सलमान सेलेना की पोल खोल रही है, तो पता नहीं क्या पोल खोल रही है, हमें तो लग रहा है कोई लव पोल खोल रही है। कौन सा पोल खोल रही है, लव पोल खोल रही है। तो लव पोल अगर खोल रही है, तो लव को हम लोग LV रखेंगे, न्यू एलिमेंट LV, और LV आप देख सकते हो कि यहां पर है, दैट इज लिवरमोरियम। लिवरमोरियम इज द न्यू एलिमेंट विच इज बीइंग डिस्कवर्ड, ठीक है, लिवरमोरियम। तो ओ सलमान सेलेना तेरी पोल खोले, तो ये पोल खोल रही है, इसका मतलब कहां है, कुछ ना कुछ लव का मैटर है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओ सलमान सेलेना तेरी पोलो खेले, ठीक है, यानी कि दोनों साथ में पोलो खेल रहे हैं। और इस तरीके से हम ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम और लिवर मोरियम जैसे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। दिस वाज ग्रुप 16। नाउ वी आर कमिंग ऑन ग्रुप 17। ग्रुप 17 पर हम आ रहे हैं, इट्स वेरी इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ग्रुप 17, और उसके बाद हम लोग फाइनली देखेंगे ग्रुप 18 आज के वीडियो में, ठीक है। तो ग्रुप 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 7 है, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है। इनकी जो वैलेंसी है रियल वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू -1, बट दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, +3, +5, +7, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है ये, ठीक है। ग्रुप 18 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 8 है और वैलेंसी जो उसकी है वो क्या है 0, वैलेंसी इज द 0, ठीक है। ये एलिमेंट्स को याद करना है, तो हमने कैसे याद किया, फर्स्ट क्लास ब्रांड इंडियन आटा, फर्स्ट क्लास ब्रांड इंडियन आटा, ठीक है, टिन में है, कहां पर है, टिन में है। तो फर्स्ट से एफ, क्लास से CL, ब्रांड से BR, इंडियन से I, आटा से AT, और TN में है, टिन में है, यानी TS क्या हो गया, TS, दिस इज अ न्यू एलिमेंट, क्योंकि टिन तो पहले निकल गया, अब तो यहां टिन है नहीं, तो ये TS लिखेंगे।
वेर एफ स्टैंड फॉर फ्लोरीन, एफ स्टैंड फॉर फ्लोरीन, सी एल स्टैंड फॉर क्लोरीन, बी आर स्टैंड फॉर ब्रोमीन, आई स्टैंड फॉर आयोडीन एंड टी एस इज द न्यू एलिमेंट जिसका नाम है टेनेसिन. क्या होना है? टेनेसिन, टी एन ई डबल एस आई एन ई. ठीक है, इसका पहले नाम था यू यू एस, अनसेप्टियम. जब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको हम यू और ऐसे करके लिखते हैं, जैसे जीरो फॉर अन, वन जीरो फॉर निल, वन फॉर अन, टू फॉर बाई, थ्री फॉर ट्राई, फोर फॉर क्वाड, फाइव फॉर पेंट, सिक्स फॉर हेक्स, सेवन फॉर सेप्ट, एट फॉर ऑक्ट, नाइन फॉर एन. तो इस तरीके से, तो उसमें क्या हुआ, मान लो 104 है, 104, तो अनिल क्वाड, क्या हुआ, अनिल क्वाड, आगे ईएम लगा देंगे, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम. तो अगर ये जब 117 मान लो एलिमेंट था तो क्या था, अन अनसेप्टियम, यू यू एस. लेकिन अब इसका नया नाम आ चुका है. जैसे बच्चा कोई पैदा होता है ना, छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू इत्यादि, इसी तरीके से जब कोई नया एलिमेंट पैदा होता तो ऐसे ही रखते हैं नाम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल हेप्टियम. बाद में जब इसका कोई नाम डिस्कवर हो जाता है तो उसका नाम लिख देते हैं, जैसे इसका नाम हो गया टेनेसिन. तो फर्स्ट क्लास ब्रांड इंडिया, इंडियन आटा, टिन में नहीं है. ठीक है, तो एफ सी एल बी आर आई ए टी टी एस. नाउ ग्रुप 18, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या है, पहले जब हम लोग क्रिकेट देखते थे तो उस समय हमारे टीम में कुछ ऐसे बैट्समैन होते थे जो बॉलर तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जब वो बैटिंग में आते थे तो देखना किसी जोक से कम नहीं होता था. ऐसे बैट पकड़ के खड़े हुए हैं, बॉल आ रही है, ऐसे मार रहे हैं, कैमरा उधर घूम गया, मालूम चला तो जीरो पे स्टंप पूरा बिखर गया. ठीक है, तो वो प्लेयर हमारे होते थे नेहरा अगरकर, और इसलिए इसका कोड बन गया उसी समय, हे नेहरा अगरकर जीरो रन पर आउट, जीरो रन पर आउट. ठीक, तो हे से बना हीलियम, नेहरा से बना नियॉन, ए आर से बना आर्गन, के आर से बना क्रिप्टन, और एक्स ई से बना जेनॉन, आर एन से बना रन यानी कि रेडॉन, और ओ यू टी जो है ये अब नया एलिमेंट आ गया है, ओ जी, ओ जी, ओ जी बिल्कुल नया एलिमेंट है और इसका नाम है ओगेनेसन, ओगेनेसन. ठीक है, दिस वॉज द न्यू एलिमेंट. इसका पहले नाम था यू यू ओ, अन अन ऑक्टियम, अब इसका नाम क्या है, ओगेनेसन. तो हे नेहरा अगरकर जीरो रन पर आउट, ही स्टैंड्स फॉर हीलियम, एनी स्टैंड्स फॉर नियॉन, ए आर स्टैंड्स फॉर आर्गन, के आर स्टैंड्स फॉर क्रिप्टन, जीरो एक्सी, एक्सी स्टैंड फॉर जेनॉन, आर एन रेडॉन, और जो आउट था पहले ये अन एन ऑक्टियम था, अब ये क्या होगा, ओगेनेसन. तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फर्स्ट सेकेंड ग्रुप जो एस ब्लॉक के थे, 13 टू 18 जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, इनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा. एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बता दे रहे हैं, इनके नाम बता दे रहे हैं कि इन ग्रुप को बोलते क्या हैं. तो जो ग्रुप फर्स्ट है वो तो हम देख चुके हैं. ठीक है, अल्कली मेटल्स. जो हमारे सामने ग्रुप सेकंड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जो ग्रुप 13 है उसे हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली. ये किसकी फैमिली है? बोरॉन की फैमिली है. जो ग्रुप 14 है, दिस इज नोन एज कार्बन फैमिली. ये हमारे कार्बन की फैमिली है. ग्रुप 15, इसे हम लोग बोलते हैं निकोजेंस. पी साइलेंट है यहां पर. निकोजेंस आर द पॉइजनस गैस जनरेटिंग एलिमेंट्स. ठीक है, ग्रुप 16 को हम लोग बोलते हैं कैल्कोजेंस. ठीक है, ओर जनरेटिंग एलिमेंट्स. ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस, सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स. ग्रुप 18 को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, या फिर इनर्ट गैस, या फिर जीरो ग्रुप. क्लियर? तो ये दीज आर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स. जिन ग्रुप्स को हम किस नाम से बुलाएंगे ये उनके नाम है. तो हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको आगे भी प्रमोट करिए, हमें भी मोटिवेट करिए और लोगों का भी भला कराइए. बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा रहा हूँ. ठीक है, और आपके लिए पूरी मेहनत हो रही है. और जनरली हम लोग इन वीडियोस को रातों में बनाते हैं, दिन में समय नहीं रहता है. ठीक है, तो रात में ही वीडियोस को बनाते हैं आपके लिए. ठीक है, तो अब आप इसको याद करिए, मन लगाइए. ठीक है, पढ़िए और आप एग्जाम अच्छे से दीजिए. हम आप लोगों के लिए पूरी ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ. और आगे अभी हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा. लाइन से अगर आप इन सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपका चैप्टर खाली इन वीडियोज़ को देखने से तैयार हो जाएगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. तब तक शब्बा खैर.